हे गाइस वेलकम बैक टू द नेक्स्ट न्यू वीडियो। तो गाइस आपको पता है हम ऑलरेडी दो वीडियो बना चुके हैं। पहली वीडियो जो बनाया था हमने जो टाइप्स ऑफ सॉइल पे बनाया था, क्या बनाया था, टाइप्स ऑफ सॉइल पे बनाया था। तो गाइस ये वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं और कुछ अच्छे रिस्पॉन्स गया। स्टार्टिंग में क्या रिस्पॉन्स देगा, जो भी गया अच्छा गया, ठीक है ना गाइस। और नेक्स्ट वीडियो हमने बनाया था इसके ऊपर बनाया था, नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बनाया था जो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बनाया था। ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमने पूरा बताया था डिटेल में, टिप्स एंड ट्रिक्स जो क्या हमको ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। हम सारी चीज़ बताया था और इसी के सेकेंड पार्ट जो हम अभी बताने जा रहे हो, यहाँ पर जो आप देख रहे हो हमने सब सारा चीज़ बताया हो, ठीक है। ये सारा चीज़ बताया हो ऑल इन वन, एवरी वन एवरी सब कुछ बताया हो, ठीक है ना गाइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट जो बात करने वाले हैं, यहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले। तो हम इस रिलेशनशिप में क्या बोलेंगे छोड़ दो, अभी नहीं बोलेंगे। बोलने से पहले मैं आपको ये बता दूं गाइस, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो गाइस फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, चाहे तो आप इंस्टाग्राम पर जाओ फॉलो करो, फटाफट मैसेज करो मुझे। और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, बोलो यार फटाफट से, मैं शेयर कर दूंगा गाइज। मेरे पास काफ़ी सारा पीडीएफ है ऑल इन वन नोट्स, आपको साथ शेयर मैं कर दूंगा, ठीक है ना गाइज। तो सो आपको चाहिए तो यार जाओ। और हाँ एक बात और भी बता दूँ, मैं कभी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी करने के लिए नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता है यार अगर वीडियो किसी को अच्छा लगेगा तो वो दिल से सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा, दोस्तों को भी बोलेगा यार ये वीडियो अच्छा है, पढ़ ले सीख ले कुछ कर ले, ठीक है ना गाइस। सो चलते हैं हम आगे, ठीक है ना गाइस। आगे हम कहाँ चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं रिलेशनशिप में हम पहली बात करेंगे। यहाँ पर एक नॉर्मल रिलेशनशिप है, ES=WG। यहाँ पर आपको पता है ये डिराइव कैसे हुआ, आपको पता है, ठीक है ना गाइस। ये वॉइड जैसे वॉल्यूम ऑफ वाइट होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वो आपको पता है, ठीक है ना। इस तरह से अगर डिराइव डेरिवेशन चाहते हो तो गाइस मुझे कमेंट जरूर करना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। मैं यहाँ पर ये वीडियोस बनाने का मेन पर्पस मुझे यही था कि मैं सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकूँ ताकि आप आसानी से माइंड में रख सको ये ऑल फार्मूला, ठीक है ना गाइस। तो अब अगर आप सैचुरेटेड कंडीशन में लिखते हो गाइस तो S=1 हो जाता है, S=1 हो जाता है, और W जो हो जाता है जो सैचुरेटेड हो जाता है। सो ये फार्मूला जो लिखा हुआ है ये इसी तरह लिखा हुआ है। तो आई होप गाइस ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट फार्मूला हम बात करेंगे यहाँ से हम बात करेंगे जो आपको मैंने पहले बताया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाओ यार देखो फटाफट, चैनल पर अपन मिल जाएगा, ठीक है ना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो। तो इस रिलेशनशिप का आपको क्या पता चलता है, जो कि मास ऑफ सॉइल इक्वल टू आपको ये पता है ड्राई डेंसिटी वाला रिलेशनशिप हम इससे निकालेंगे, 1+ वाटर कंटेंट। तो ये रिलेशनशिप हमको पता है, ठीक है ना गाइस। इस रिलेशनशिप से हम निकाल पाएंगे क्या, ये निकाल पाएंगे अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर देते तो क्या रिलेशनशिप आ जाता है। तो आप मन में ही आप सोच लो, अगर W=WD+1/V तो दोनों साइड अगर वॉल्यूम से डिवाइड करते तो कोई फर्क पड़ेगा, तो ये रिलेशनशिप आप पालोगे, γ=γD×1+ वाटर कंटेंट। गाइज आप बताओ कैसा लगा ये ट्रिक, आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है ना गाइज, कोई सी ना कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आपको ये गामा, ये फार्मूला, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट फार्मूला गाइज। इस फार्मूला से आप चार फार्मूला अभी करने वाले हो गाइज, फटाफट देख लो कैसे करने वाले आप देख लो। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मार्क कर देते हैं पहले ही, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो अगर ड्राई कंडीशन है गाइज, अगर ड्राई कंडीशन है तो ये यस की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, सैचुरेटेड वाटर नहीं है यार, क्या सैचुरेटेड बात कर रहा है, ठीक है। तो ड्राई कंडीशन है तो अगर यस 0 होगा तो ई भी 0 हो गया, तो G×γW। तो ये देखो यार ड्राई कंडीशन का फार्मूला हो गया खत्म, याद करना पड़ा नहीं ना। अगर आप देखो अगर सैचुरेटेड कंडीशन है, ये ड्राई कंडीशन वाला अगर सैचुरेटेड कंडीशन है तो क्या इस क्या होगा, सैचुरेटेड कंडीशन होगा तो क्या होगा, S=1 होगा। तो आप ये फार्मूला आप देख लो, ये फार्मूला आप देख लो, यहाँ पर ये लिखा हूँ मैं सैचुरेटेड, तो S=2 यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 1 पुट हो गया, तो 1 पुट अगर करोगे तो यहाँ पर ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। ये फार्मूला आसानी से आप देख लो। अब नेक्स्ट फार्मूला हम बात करेंगे इसी तरह समर्ज के लिए हम बात करेंगे। तो हमारे पास किधर है समर्ज के लिए फार्मूला, हम देखेंगे यहाँ पर समर्ज की फार्मूला क्या होता है। तो गाइस इसी तरह आप समर्ज के फार्मूला देख सकते हो, यहाँ पर जैसे कि ये गामा की फार्मूला क्या लिखा था हमने कि G+ SE
गामा डब्ल्यू बटा वन प्लस ई। तो आप इसमें देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ यस ई के ठाव पर, यस ई के प्लेस पर सिर्फ माइनस वन आ गया। ये कैसे आया ये भी रिलेशनशिप में आपको पता चल जाएगा। इसका भी डेरिवेशन है अलग से, बस मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ माइनस वन आपको ऐड करना है, ठीक है ना गाइस। तो ये फार्मूला इसी में से आएगा, समझ में से आएगा। सिर्फ आपको माइनस वन यहाँ पर रखना है और आसानी से ये फार्मूला आप भी ग्रैप कर सकते हो। तो बताओ आपको याद करना पड़ा क्या, करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा ना। जैसे कि गाइज अब ये फार्मूला आप कहाँ से आया वो भी मैं आपको अभी के अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना गाइज। जैसे कि मैंने फर्स्ट रिलेशनशिप जो पढ़ा था, ES इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, डब्ल्यू जी एक पढ़ा था और एक पढ़ा था हमने गामा इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू, सॉरी जी गामा डब्ल्यू नहीं था, ये था जी प्लस यस ई गामा डब्ल्यू बटा वन प्लस ई। तो गाइज इसी में कुछ नहीं गया, कुछ नहीं गया यार। पोलोसिटी के जो होता है ना, जो रिप्लेस कर दिया, सॉरी डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, रिप्लेस कर दिया, यस इज कॉल टू डब्ल्यू जी बाई ई पुट कर दिया और ये फॉर्मूला हमने गेट कर लिया। तो गाइज अगर आपको इसी में अब इसी में बताओ, अगर ई नहीं दिया होता, पोलोसिटी दिया होता तो आप क्या करते, क्या करते गाइज। पोलोसिटी की फार्मूला लगाओ यार, पोलोसिटी की फार्मूला आपको पता है या नहीं कि भूल गए आप। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था यार, अगर भूल गए तो आप देख लो यार पोलोसिटी का क्या फार्मूला बताया था, ई बटा वन प्लस ई। क्या यही फार्मूला है गाइज, यही फार्मूला है। अगर आपको पता नहीं तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है ना गाइज। तो पोलोसिटी का ये फार्मूला मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो, ठीक है ना गाइज। फर्स्ट वीडियो में अगर यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो आसानी से। बताओ यार फटाफट बताओ, क्या आसानी से आप रिप्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो, खुद को अपने रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना गाइज। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये फार्मूला इस फार्मूला में क्या है यार। पोरोसिटी के टर्म में, पोरोसिटी के ही जो किया है ना, पोरोसिटी क्या होता है गाइस, पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है, सॉलिड नहीं होता है, सॉलिड नहीं होता है, सॉलिड होता है यार वॉइड, ये सॉइल होता है। इसी में क्या होता है, सॉइल, सॉइल अब डिवाइड हो जाएगा गाइस सॉलिड में हो जाएगा, सॉलिड को टर्म को यो क्या वॉइड जिसे रिप्लेस कर देगा। वो भी एक डेरिवेशन से आप देख सकते हो, ठीक है ना। अगर आप डेरिवेशन चाहते हो तो मैं फिर भी बता रहा हूँ यार, मैं आपके लिए बना दूंगा वीडियो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है ना। तो ये भी आप देख सकते हो, बहुत आसान है यार। अगर आप खुद से एक बार ये डेरिवेशन कर लोगे ना सारा, तब मे गॉड आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। ये मेरा एक्सपीरियंस है गाइस, आप कभी नहीं भूलोगे, मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ। जैसे कि ये रिलेशनशिप भी डेरिवेशन बेस है, डेरिवेशन पे डिपेंड पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको जो बताना था, मैं 5-6 बता दिया जो कि आपको ट्रिक बेस है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये फर्स्ट वाला, ये वाला आपको याद नहीं करना पड़ा, ये वाला आपको याद नहीं पड़ेगा, ये वाला ये दोनों, ठीक है ना। तो ये सब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वाला कुछ आपको याद करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा। तो देखो मैक्सिमम फार्मूला मैं इस तरह से बता दिया जिसमें आपको याद नहीं करने पड़ रहा, ठीक है ना। तो आप कुछ फार्मूला ऐसा है जो कि आपको याद करने पड़ेगा, जैसे कि ये है। अगर आप डेरिवेशन करने बैठ जाओगे ना तो आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है ना गाइस, टाइम लग जाएगा, आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये हो गया, ये दोनों थोड़ा सा डेरिवेशन बेस है, देख लेना, अगर आप एक बार देख लोगे तो ट्रिक बन जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो आप बताना गाइस लास्ट में, अगर वीडियो अच्छे लगे तो यार फटाफट बता देना यार कैसे हो, ठीक है ना गाइस।